तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वह यह काम को चुटकी में कर देगा, जितना खाना है खा लो। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तुम चिल्लाकर मुझे चुप नहीं करा सकते। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर वन बाई वन करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, इज्जत मिट्टी में मिल जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, इस कपड़े में वहाँ जाओगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वंस नेम इज मड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जांपल देखिए। अगर तुम इस कपड़े में वहाँ जाओगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप इसके लिए बोल सकते हैं, इफ़ यू गो देयर इन दिस ड्रेस माई नेम विल बी मर्ड। इफ यू गो देयर इन दिस ड्रेस माई नेम विल बी मर्ड। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दिया। ही शुडेंट हैव डन सो, हिज पेरेंट्स नेम वॉज मर्ड। He shouldn't have done so. His parents' name was mud. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चुटकी में, मतलब एकदम तुरंत। आप कई बार ऐसे बोलते हैं, वह इस काम को चुटकी में कर देगा, या फिर मैं यूं गया और यूं आया, मतलब तुरंत। तो आप इन जिफी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं यूं गया और यूं आया, मतलब तुरंत आया। तुम चिंता मत करो, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं, आई विल कम इन अ जिफी, यू डोंट वरी, आई वॉन्ट टेक अ लॉन्ग। आई विल कम इन अ जिफी, यू डोंट वरी, आई वॉन्ट टेक अ लॉन्ग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह चुटकी में यह कर देगा पर मुझे यह नहीं आता है। आप कई बार ऐसे बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही विल डू इन अ जिफी बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। ही विल डू इट इन अ जिफी बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है भगवान के लिए। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो, या फिर भगवान के लिए ऐसा मत करो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर गॉड सेक का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जांपल देखिए, भगवान के लिए ऐसा मत करो, आज के बाद से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप इसके लिए इंग्लिश बना सकते हैं, डोंट डू इट फॉर गॉड्स सेक, आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। डोंट डू इट फॉर गॉड्स सेक, आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, भगवान के लिए उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, उसने कुछ नहीं किया है। ऐसे लाइन आप टीवी सीरियल में देखते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, प्लीज़ लीव हिम फॉर गॉड्स सेक, ही डोंट किल हिम, ही हैजंट डन एनीथिंग। प्लीज़ लीव हिम फॉर गॉड्स सेक, डोंट किल हिम, ही हैजंट डन एनीथिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जितना चाहो उतना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जितना खाना है खा लो, या फिर जितना खेलना है खेल लो।
तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एज मच एज यू वॉन्ट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, अभी जितना खाना है खा लो, बाद में मैं दोबारा नहीं दूंगा। इसके लिए गाइस आप इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, नाउ ईट एज मच एज यू वॉन्ट, आई विल नॉट गिव यू अगेन लेटर। नाउ ईट एज मच एज यू वॉन्ट, आई विल नॉट गिव यू अगेन लेटर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जितना रोना है रो लो, पर मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा। कई बार होता ये है कि बच्चे लोग जिद करने लगते हैं और आप इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्राई एज मच एज यू वॉन्ट बट आई वॉन्ट गिव यू द मोबाइल। क्राई एज मच एज यू वॉन्ट बट आई वॉन्ट गिव यू द मोबाइल। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, नहीं तो कौन करेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, या फिर मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट प्लस हु विल का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं अकेले रहता हूँ। बात तो बिल्कुल सही है, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, इफ़ आई डोंट डू हु विल, आई लिव अलोन। इफ़ आई डोंट डू हु विल, आई लिव अलोन। आप इस तरीके से सिंपली इसका इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आप मेरे दोस्त हो और अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हु विल। यू आर माई फ्रेंड एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हु विल। आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चिल्लाकर चुप करा देना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, आप मुझे चिल्लाकर चुप नहीं करा सकते हैं, या फिर मैंने उसे चिल्लाकर चुप करा दिया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप शॉर्ट समवन डाउन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, तुम चिल्लाकर मुझे चुप नहीं करा सकते, मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। यू कांट शाउट मी डाउन, No one can stop me from telling the truth. You can't shout me down. No one can stop me from telling the truth. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह जब मुझे सच बता रही थी तो सोनू ने चिल्ला कर उसे चुप करा दिया। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, When she was telling me the truth, Sonu shouted her down. When she was telling me the truth, Sonu shouted her down. आप इस तरीके से इससे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।